हेलो फ्रेंड्स, अभी हम आपको बताने हैं एक नए एडेंडम के बारे में जो आईसीएआई ने अपने वेबसाइट पे सीए न्यू सिलेबस एससीएम वालों के लिए रिलीज़ किया है। आप देखिए, मैं आया स्टूडेंट सेक्शन में बोर्ड ऑफ स्टडीज़ नॉलेज पोर्टल, और इसमें न्यू स्कीम में फाइनल कोर्स में स्ट्रेटजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, और आप देखिए अभी एक नया फ्लैश हो रहा है, एडेंडम और कोरिगेंडम ऑन फीडबैक। ओके, और इसके साथ साथ एक और सेक्शन आया है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। हमें इस दो को अभी रेफर करना है इस वीडियो में और समझना है कि इससे हमारे कॉस्टिंग के प्रिपरेशन में क्या असर पड़ रहा है। दीज आर बेसिकली फीडबैक ऑन इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल एंड सम स्मॉल क्वेश्चंस ऑफ स्टूडेंट्स विच हैव बीन फॉरवर्डेड टू बोर्ड ऑफ स्टडीज एंड दे हैव रिप्लाइड यू। सो लेट्स फॉलो दिस। हम आ गए एडेंडम में। सो एडेंडम इज लाइक दिस। इसमें इंस्टीट्यूट ने बताया है सीए फाइनल पेपर नंबर 5 में कौन कौन से स्टूडेंट्स ने अपने ईमेल आईडी से इंस्टीट्यूट के बोर्ड ऑफ स्टडीज़ को कांटेक्ट किया और क्या क्वेश्चन को लेके कांटेक्ट किया और उसका इम्पैक्ट क्या है। ठीक है, इसमें जो बात बताई गई है वो इंस्टीट्यूट के लेटेस्ट मैट का पेज नंबर रेफर करके बताया गया, जो जैन 19 एडिशन इंस्टीट्यूट मैट का है उसके हिसाब से बताया गया। मैं आपको बताऊँगा कि उसका इम्पैक्ट हमारे स्टडी मटेरियल्स में, एसजेसी के स्टडी मटेरियल में, एससीएम के स्टडी मटेरियल में, कौन से बुक में क्या असर पड़ेगा। पहला बात आप ये ध्यान रखिए, एससीएम जो हमसे न्यू सिलेबस में क्लास किए, हमने उनको नॉर्मल क्लास कराई है, फिर उनको एससीएम न्यू सिलेबस के लिए चला के एक्स्ट्रा क्लास कराया, अमेंडमेंट क्लास कराया। तो जो अमेंडमेंट क्लास के नोट्स हैं उसमें आपके थोड़े बहुत असर आएंगे। जो हमारे से क्रैश कोर्स किए उनको हमने दिव्य जड़ी बूटी बुक, लेट्स प्रैक्टिस बुक से क्लास कराया, तो उसमें आपके थोड़े से असर आएंगे जो भी यहाँ पे रेफरेंस दिया गया है। और जिन्होंने हमारा दिव्य जड़ी बूटी बुक परचेज़ किया है अलग से, अपार्ट फ्रॉम वट एवर नोट्स दे आर हैविंग, उनको भी थोड़ा सा ध्यान देना है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिव्य जड़ी बूटी बुक। मैं आपको सिर्फ बताने वाला हूँ हाउ ऑल दीज आर गोइंग टू अफेक्ट इन आवर दिव्य जड़ी बूटी बुक ऑफ एसजेसी विस योर आईसीआई मैट। आईसीआई मैट में कुछ करेक्शन थे, तो दिव्य जड़ी बूटी बुक में क्या क्या उसका असर है। ठीक है, तो आप ध्यान से समझें और बहुत ज़्यादा हड़बड़ाने का चीज नहीं है, एकदम सिंपल सा है, कुछ ऑलरेडी हमने कवर करा हुआ है, मैं आपको सब दिखा रहा हूँ, आप बस ध्यान से समझिए। जैसे ये पहला फीडबैक और सजेशन था रिलेटेड टू पेज नंबर 4.19 ऑफ योर इंस्टीट्यूट मैट। ओके, जिसमें बोल रहा है एक वर्ड था जो मे करके लिखा हुआ था, वो होगा पे, मे को पे करना है। तो किसी स्टूडेंट ने फॉरवर्ड किया मे को पे कर दो, ये प्रिंटिंग एरर है, तो इंस्टीट्यूट ने कबूल किया, हाँ जी आपने ठीक बोला, पे ही होगा मे की जगह। और वो बोल रहे कि हम लोग जो भी करेक्शन करेंगे नया मैट में करेंगे, उनका नया एडिशन जब आएगा तब करेंगे। अब हमारे इस वर्ड के कारण जो दिव्य जड़ी बूटी बुक है वो पेज 4.19 ऑफ आईसीएआई मैट कवर्ड है यहाँ का पेज नंबर 309 में। यहाँ पे जो पेज नंबर 309 है उसमें हमें जाना पड़ेगा। सो मैं आपको लेके जा रहा हूँ अपना एसजेसी मैट का पेज नंबर 309, दिव्य जड़ी बूटी बुक। टारगेट कॉस्टिंग चैप्टर में आ रहे हम लोग, टारगेट कॉस्टिंग चैप्टर पेज नंबर 309 हीरा, पेज नंबर 309। ये काउलून टॉय कंपनी। अच्छा, जो लोग हमारे स्टूडेंट्स अभी तक दिव्य जड़ी बूटी बुक हमसे नहीं लिए हैं उनको ये क्वेश्चन आपके अमेंडमेंट सीरीज के मैट में मिल जाएगा। टारगेट कॉस्टिंग चैप्टर को फॉलो करिए आप, टारगेट कॉस्टिंग चैप्टर। इसमें इंस्टीट्यूट मैट में यहाँ पे वर्ड मे लिखा हुआ था, स्टूडेंट ने बोला उसको पे कर दीजिए, इंस्टीट्यूट भी बोला हाँ पे होना चाहिए, हमने ऑलरेडी इसको पे कर रखा है, सो आपको कुछ करना नहीं है, फाइन। अमेंडमेंट मैट में मिल जाएगा। देखिए, हो सकता है आप हमारे से लेटेस्ट बैच में क्लास लियो, तो कुछ चीज़ें हमारे अमेंडमेंट मैट से निकल कर हमने आपके रेगुलर मैट में भी डाल दी होगी। आपको ये थोड़ा सर्च करना है कि ये क्वेश्चन आपका टारगेट कॉस्टिंग का रेगुलर मैट में है, काउलून टॉय कंपनी वाला, कि आपका अमेंडमेंट मैट में है, या फिर आपका दिव्य जड़ी बूटी बुक में है।
जो भी मैं अभी बता रहा हूँ दिव्य जड़ी बूटी बुक में तो श्योर शॉट है ही, और बाकियों के लिए आपको देखना पड़ेगा एक बार कि रेगुलर मैट में मिल रहा है आपको कि आपके अमेंडमेंट मैट में मिल रहा है। ओके, तो ये आप उस तरह से फॉलो करिए, ये वीडियो को आप दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, और अपने आप को जरूर सिली कैलकुलेशन से यहाँ पे जो एरर रेक्टिफाई करवाए गए हैं उससे अपडेट कर लीजिए। सो फर्स्ट वाला हो गया जी। फर्स्ट वाले में इतनी सी बात थी कि मे और पे में चेंज करना है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन में एक स्टूडेंट ने पूछा है, फॉर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस शुड आई रेफर ओल्ड पीएम आल्सो। सो ये चीज़ हमने भी क्लास में बताई है, एसएफएम में हमने ज़रूर बोला है कि आप थोड़ा ओल्ड मटेरियल को रेफ़र करें, बट हमारे एसएफएम के मैट में तो सारा कवर था ही, बट फिर भी बोला है। बट एससीएम के लिए हमने कभी नहीं बोला आपको कि आप इंस्टीट्यूट का ओल्ड मटेरियल को रेफ़र करिए, ओल्ड सिलेबस का मटेरियल को, बिकॉज उसके पैटर्न में और इसके पैटर्न में काफ़ी चेंजेस है। ओल्ड सिलेबस का क्वेश्चंस न्यू सिलेबस में एज इट इज़ लागू नहीं है। जितना लागू है, जितना कंसेप्ट सीखने के लिए ज़रूरत था, वो हमने आपको अपने क्लास में कवर करके सब करा दिया है। जितना कंसेप्ट सीखने के लिए ज़रूरत था सिर्फ उतना ही कराया है, आपको सारे के सारे ओल्ड सिलेबस का क्वेश्चंस हमने नहीं कराया। तो इन्होंने भी यही बात कही है कि सिंस पैटर्न थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हुआ है, क्वेश्चन का पूछने का तरीका चेंज हुआ है, जैसे कि अभी सिर्फ कैलकुलेशन पे फोकस नहीं करते हम लोग, रादर देन हम लोग इवेल्युएशन, एनालिसिस, रिकमेंडेशन पे फोकस करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा ओल्ड सिलेबस पे फोकस नहीं करना है, आपको न्यू सिलेबस के कंटेंट में ही स्ट्रिक्ट रहना है। ठीक है, यू मे प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ सिमिलर टॉपिक फ्रॉम ओल्ड कोर्स रिसोर्सेज, ऐसा लिखा है, जैसे कि जो जो चैप्टर एकदम हुबहू मैच हो रहा हो, जैसे फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हुबहू मैच हो रहा है, जो जो चैप्टर एकदम हुबहू मैच हो रहा है उसको आप ओल्ड कोर्स से कर सकते हो। अभी आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है स्टूडेंट्स कि अपने लेवल पे आप कैसे पता लगाएं कि अरे कौन सा है हुबहू मैच हो रहा है, तो हमने आपके अपने एसजेसी के मैट में जो जो ओल्ड कोर्स की ज़रूरत है सब करा ही दिया ना, आपको टेंशन नहीं लेना, ये क्वेश्चन आपके लिए भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता। सर ने जो कराया उसको फॉलो करो, ओल्ड सिलेबस का में क्या करना है नहीं करना है वो आप चिंता ना करो, वो हम चिंता करके आपको करा देंगे। हाँ, बस आप ऐसा मत सोचो कि न्यू कोर्स है तो सिर्फ पूरा पूरा न्यू कोर्स ही करेंगे, ओल्ड कोर्स का जीरो करेंगे, एक भी नहीं करेंगे। वैसा अगर आप सोच रखते हो तो आपको एग्ज़ाम में दिक्कतें आ सकती है, कि क्वेश्चन रिप्रोड्यूस होके आ रहे हैं, क्वेश्चन का बेस वही है, फंडामेंटल वही है, जस्ट रिप्रोड्यूस होके आ रहे हैं, कभी वही केस स्टडी का रूप ले रहा है तो कभी वही ओल्ड सिलेबस का क्वेश्चन फिगर्स चेंज होके आ रहा है। सो एकदम कम्प्लीटली नहीं छोड़ सकते, आपको जितना हमने कराया उतना ही करिए, आप अपने तरफ से ओल्ड सिलेबस का पीएम में मत जाइए। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है एक स्टूडेंट का जो कह रहा है कि द क्वेश्चन इन मॉड्यूल आर वेरी लिमिटेड फॉर न्यू सिलेबस, ऑल्सो देर आर नो थ्योरी क्वेश्चन विच आर आस्ड इन एग्जाम, हाउ आर स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम, द मटेरियल इज ग्रेट अदरवाइज। तो इनका कहना है कि जैन 19 एडिशन में ऑफकोर्स बहुत सारे क्वेश्चन डाले गए अभी नए, तो वो 140 क्वेश्चंस को कवर करते हैं इंक्लूडिंग केस स्टडीज़। सो ये सारे क्वेश्चंस हम लोग आपको रेगुलर बैच में भी कराए हैं, तो कुछ अमेंडमेंट सीरीज़ के बहाने करा दिए, और फिर उसके अलावा भी अगर इक्का दुक्का बचा था तो दिव्य जड़ी बूटी बुक बोल के हमने रिलीज़ कर दिया, उसमें सब कुछ आ गया। जैसे स्टूडेंट्स अगर आप मान लीजिए ये सोच रहे लास्ट मोमेंट पे, सर मेरा एग्ज़ाम आ रहा है, अब आपका रेगुलर मैट पढ़ूँ कि अमेंडमेंट मैट पढ़ूँ कि इंस्टीट्यूट मैट भी देखूँ, समझ ही नहीं आ रहा क्या क्या करूँ, तो अगर आपको वन स्टॉप सोल्यूशन चाहिए फॉर ऑल एट वन प्लेस, तो वो है दिव्य जड़ी बूटी बुक, जिसमें सारे क्वेश्चंस आज तक के इंस्टीट्यूट के ICMAT में जितने क्वेश्चन हैं न्यू सिलेबस के, जैन 19 एडिशन के, उसके अलावा RTP, MTP, जो जो इंस्टीट्यूट ने रिलीज़ किया वो पूरे अपडेटेड हैं विथ आंसर्स। तो आप वन स्टॉप अगर कुछ चाहते हो तो दिव्य जड़ी बूटी बुक है, जो आप हमारे SGC वेबसाइट से अवेल करें। अदरवाइज आपको अगर हमारे तरफ से दिव्य जड़ी बूटी बुक अभी क्रैश कोर्स के कारण दिया गया है जिसमें उसी से पढ़ाया जाता है, तो उसको आप फॉलो करें, बस आपका वन स्टॉप बुक है दिव्य जड़ी बूटी बुक, जिसमें सब कुछ कवर्ड है, आपको उसके बाद फिर अपने ओल्ड मैनुअल में जाने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस क्या है कि ओल्ड मैनुअल का ज़रूरत होता है टू गेट कॉन्फिडेंस ओवर डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ सम, वो डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ सम का कॉन्फिडेंस लाने के लिए सम्स एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे, तो वो एक्स्ट्रा सम्स आपको अपने रेगुलर कोर्स में मिल जाते हैं आराम से, और क्रैश कोर्स वालों के लिए भी SGC ने
वो एक्स्ट्रा सम्स अभी एक एक्स्ट्रा वर्कबुक प्रोवाइड किया है, वो वर्कबुक से कवर हो जाएगा। तो क्रैश कोर्स वाले दिव्य जड़ी बूटी बुक के अलावा अगर और कॉन्फिडेंस पाना चाहते हैं, समय है, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो वर्कबुक को फॉलो करेंगे। और रेगुलर कोर्स वाले, आपका रेगुलर कोर्स में सारा सम्स है ही और अमेंडमेंट कोर्स में सारा चीज़ हो ही जा रहा है, बट फिर भी वन स्टॉप में सब कुछ है, तो दिव्य जड़ी बूटी बुक आप रेफर करने के लिए रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम चैप्टर को लेकर, जिसमें इंस्टीट्यूट मैट में एक प्रॉब्लम था कि उन्होंने एक रो 210,000 रुपया का उसमें कॉस्ट दिखाना था, उसको स्किप कर दिया, क्वेश्चन में प्रिंटिंग एरर था, जो कि हमारे दिव्य जड़ी बूटी बुक में अगर हम आते हैं, मैं आपको जो भी बता रहा हूँ सब दिव्य जड़ी बूटी बुक के रेफरेंस से बता रहा हूँ, जो हमारा पेज नंबर 282 में मिलेगा, पेज नंबर 282, ये जो स्ट्रेटजिक एनालिसिस की बात हो रही है, आप दिव्य जड़ी बूटी बुक पेज नंबर 282 में आ जाइए, 282 ये क्वेश्चन जब इंस्टीट्यूट मैट में छपा था तो उधर ये वाला रो मिस हो गया था, उनसे टाइपो एरर था, सॉल्यूशन में दिख रहा था बट क्वेश्चन में नहीं दिख रहा था, इसलिए एक बच्चे ने बोर्ड ऑफ स्टडीज को अपील किया तो उन्होंने रिप्लाई किया हाँ जी हमारा टाइपो एरर हुआ है। तो हमने इस चीज़ को ऑलरेडी दिव्य जड़ी बूटी बुक में करेक्ट कर रखा है। मैं फिर से बता दूँ, रेगुलर कोर्स वाले आपका अमेंडमेंट सीरीज़ में देखिएगा स्ट्रेटजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम में ये क्वेश्चन कराया हुआ होगा, या फिर हो सकता है आपको हमने कुछ क्लास में एक्स्ट्रा शीट देके कराया होगा, आपको फॉलो करना होगा स्ट्रेटजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम का, या फिर ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग चैप्टर में शायद मैंने कराया होगा, आपको ये दो चैप्टर में से एक चैप्टर में मिल जाएगा रेगुलर कोर्स वालों के लिए, बट हमारा दिव्य जड़ी बूटी बुक में ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग चैप्टर में ही है, ABC चैप्टर में ही है, ये ABC चैप्टर में ही है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग चैप्टर में पेज नंबर 282। ओके, रेगुलर कोर्स वाले आप थोड़ा सा बस ध्यान दे लेंगे कि आपका स्ट्रेटजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम में घुस गया कि शीट में घुस गया कि ABC में, आपको बस ये फॉलो करना है, अदरवाइज दिव्य जड़ी बूटी बुक में आप चेक करिए 282, कुछ करना नहीं है, जस्ट आपको बताया कि हमने ऑलरेडी करेक्ट कर रखा है, और इंस्टीट्यूट मैट में एक मिस्टेक था तो उन्होंने बोल दिया यार दिस इज अ टाइपोग्राफिक एरर मिसिंग फ्रॉम द टेबल। नेक्स्ट आ रहा है एक लीन सिस्टम एंड इनोवेशन चैप्टर में अपने इंस्टीट्यूट मैट में एक क्वेश्चन डाला हुआ है। ओके, वो क्वेश्चन मैंने अपने मैट में, जैसे ये ABC में डाल रखा है, तो ये वाला क्वेश्चन मैंने अपने मैट में TQM में डाल रखा है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, मेरा एनालिसिस अलग चीज़ बोलता है तो मैं अलग जगह डालता हूँ, इंस्टीट्यूट के हिसाब से मैं एग्जैक्टली चैप्टर वाइज क्लासिफिकेशन नहीं करता हूँ, तो TQM में पेज नंबर 218 में आना पड़ेगा, 218 TQM में पेज नंबर 218 में आना पड़ेगा, ये देखिए 218 में आ जाइए, 17 और 18, ये रहा, ये एक BPR और आउटसोर्सिंग का क्वेश्चन है, सिंस इसमें BPR पूछा था इसलिए मैं इसको लेके चला गया आपका TQM में, बिकॉज हम लोग आपको TQM में BPR पढ़ाते हैं। तो इसमें पेज नंबर 218 के टॉप में आप देखिए, ये क्वेश्चन में यहाँ पे एक टाइपो एरर है, 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी प्लस 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज नहीं होगा, ये 1% होगा, सोल्यूशन ठीक किया हुआ है, बस यहाँ पे एक टाइपो एरर है। तो यहाँ पे जो मैटर रेज किया गया था, उसमें बोला था, स्टूडेंट ने बोला कि अगर ये सही है तो आंसर चेंज करो, तो इंस्टीट्यूट ने बोला आंसर सही है आप क्वेश्चन चेंज कर लो, ठीक है, यहाँ पे 1% होगा, आंसर जो किया हो वो सही है। ये क्वेश्चन RTP में नवंबर 18 में आया था, RTP में नवंबर 18 में भी आया था, टाइपो एरर था, फिर बाद में इसको ICAI मैट में भी इंक्लूड करवा दिया गया जैन 19 एडिशन में। ओके, तो इसको आप ऐसे करेक्ट कर लेंगे, ये हमारा दिव्य जड़ी बूटी बुक में भी करेक्ट होगा, अगर आप RTP से हमारे साथ क्लास किए हैं, हमारे रेगुलर क्लासेस में RTP का रेफरेंस से आप क्लास किए हैं, तो उधर ये वाला 1% आपको करेक्ट करना है, टाइपो एरर। ओके,
सो ये TQM में हो गया. नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ये स्ट्रेटजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम से जुड़ा हुआ है, जो हम लोग भी स्ट्रेटजिक एनालिसिस में ही किए हैं. एक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया था डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी DPP, और उसमें मैंने एक क्वेश्चन कराया था आपको, वो बटर जेली आइसी कूल फ्रूट एंड नट्स वाला. उस क्वेश्चन को लेके बच्चे का क्वेरी क्या, मैं आपको समझाता हूँ. पहले मुझे क्वेश्चन निकाल लेने दीजिए. अपने दिव्य जड़ी बूटी बुक में दोस्तों पेज नंबर 286, ये रेगुलर कोर्स के अपने मैट में भी मिल जाएगा. दिव्य जड़ी बूटी बुक का रेफरेंस अभी मैं सारा चीज़ बता दे रहा हूँ. पेज नंबर 286, पेज नंबर 286 में आ जाइए. ये रहा, देखिए ये वाला क्वेश्चन अगर आपको याद आ रहा हो DPP का, बटर जेली आइसी कूल फ्रूट एंड नट्स, इसको लेके बच्चे का क्वेरी है कि जब हम ये सेल्स पर मंथ इन यूनिट्स दिया हुआ है, इससे क्यूबिक मीटर निकाल रहे हैं, ठीक है, कि इतना यूनिट्स अगर हम बेचते हैं तो मेरा क्यूबिक मीटर कितना होगा एक महीने का. जैसे नंबर ऑफ कार्टून्स कितना होगा पहले वो निकालो. नंबर ऑफ आइटम्स पर कार्टून है 18,000 बाई 300 करेंगे, तो आप देखिए 18,000 बाई 300 करने से 60 कार्टून आ रहा है, इधर आ रहा है 60 कार्टून. फिर वैसे ही 4608 डिवाइड बाई 144 करेंगे तो 32 कार्टून आ रहा है. वैसे यहाँ पे 1152 डिवाइड बाई 72 करेंगे तो 16 कार्टून आ रहा है. और फिर इस कार्टून इनटू क्यूबिक मीटर करेंगे तो टोटल क्यूबिक मीटर आएगा. 60 × 42 करने से 2520 क्यूबिक मीटर आ रहा है. फिर वैसे ही 32 × 28 करने से 896 क्यूबिक मीटर आ रहा है, ठीक है. और 1152 × 16 × 40 करने से 640 आ रहा है. 640 × 896 × 2520 करने से 4056 आ रहा है. सो पॉइंट इज टोटल क्यूबिक मीटर यहाँ पे जो दिया हुआ है 40,000 क्यूबिक मीटर, ये इन तीनों से मैच नहीं हो रहा, ओके. ये देखिए यहाँ पे स्टूडेंट ने लिखा ना, इफ वी सोल्ड 40,000 क्यूबिक मीटर इन अ मंथ, इट विल नेवर बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑल दिस थ्री प्रोडक्ट्स. सो ये मैच नहीं हो रहा. तो मैंने इसको क्लास में कैसे समझाया था कि ये तीन प्रोडक्ट के अलावा हो सकता है, ये कम रिटेल स्टोर है ना, सिर्फ तीन ही प्रोडक्ट बेचता होगा, जरूरी नहीं और भी प्रोडक्ट बेचता होगा, सब मिला के 40,000 हो रहा होगा और वो सबका ही टोटल कॉस्ट यहाँ पे दिया हुआ होगा, ठीक है. तो आइडियली ये अगर टोटल कॉस्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये अगर टोटल कॉस्ट आपका 40,000 क्यूबिक मीटर से जुड़ा हुआ है, ओके, तो ये तीनों को मिला के भी 40,000 आना चाहिए. अगर क्वेश्चन में अगर ठीक से पढ़े तो इसमें लिखा हुआ है कि मेनली थ्री प्रोडक्ट्स, नेमली ये तीन आर सोल्ड थ्रू दीज रिटेल स्टोर्स. तो मेनली थ्री प्रोडक्ट्स मतलब हमने ऐसा सोचा था, आपको ऐसी लाइट करने के लिए बोल दिया था कि आप अज्यूम कर लो ना कि और भी प्रोडक्ट बेच दोगे सब मिला के 40,000 होगा, ऐसा कुछ सोच के चल लो, ओके. तो एक स्टूडेंट ने यही रेज किया कि तो मैच नहीं हो रहा 40,000 से, आप कैसे क्वेश्चन में 40,000 दे रहे हैं. तो इंस्टीट्यूट का कहना है कि क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये वाला सेल्स पर मंथ का ज़रूरत ही नहीं है. हाँ एक्चुअली ज़रूरत नहीं है, हम लोग तो कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर से सम किए थे, सो ज़रूरत नहीं है. बट एक चीज़ और बता दूँ, जब हम सम सॉल्व करे थे ये वाला बटर जेली फ्रूट एंड नट आइसी कूल वाला, तो इस सम को सॉल्व करते वक्त हमारा यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट है उसको 40,000 से डिवाइड करके रेट निकाला और फिर हमने इस तीन प्रोडक्ट में अपने उस कॉस्ट को बांटा, ठीक है. तो ये टोटल कॉस्ट यहाँ पर जो भी कॉस्ट है वो 40,000 से डिवाइड करके रेट निकाला और फिर तीन प्रोडक्ट में बांटा. हम वहाँ पे चेक नहीं करने गए थे कि तीनों मिला के यही कॉस्ट आया कि नहीं आया, हम चेक करने ही नहीं गए थे, हम तो खाली रेट निकाल के अपना काम कर लिए थे. मैं आपको क्या समझा रहा हूँ कि क्वेश्चन में जो टोटल कॉस्ट दिया हुआ था उसको हम लोग 40,000 से रिलेट करके रेट पर क्यूबिक मीटर निकाल के फिर उस रेट से ही प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट निकाल लिया था हम
टोटल कॉस्ट मिला के वो 40,000 क्यूबिक मीटर का एक कॉस्ट है, ये सब चेक करने गए नहीं थे, हम सिर्फ रेट निकाल के अपना काम कर लिए, अज्यूमिंग कि कम रिटेल स्टोर में और भी प्रोडक्ट बिकते होंगे। क्वेश्चन में तीन प्रोडक्ट का डिटेल पूछा है। सो इस बच्चे का क्वेश्चन भी यही था, तो इंस्टीट्यूट ने क्या क्लैरिफिकेशन दिया कि सेल्स पर मंथ का ज़रूरत ही नहीं है, देर इज़ नो यूज़, इसलिए आप इग्नोर करें सेल्स पर मंथ क्या क्या दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है, उसको टैली कराने का कोशिश ना करें। फिर एक वरुण बंसल जी का यहाँ पर कोटेशन आया है, बहुत अच्छा बुक है, तो इंस्टीट्यूट ने भी थैंक यू बोल दिए, तो इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट, फिर सिक्स सिग्मा को लेके एक पॉइंट आया है कि आपके इंस्टीट्यूट के मैट में सिक्स सिग्मा को लेकर लीन सिस्टम एंड इनोवेशन पेज नंबर 3.29 में डिस्कस किया गया, जहाँ पे सिक्स सिग्मा का एक डिफेक्ट लेवल है 0.00034 होता है ये, ठीक है, 0.00034, ठीक है, जबकि इंस्टीट्यूट मैट में प्रिंट हुआ हुआ है 0.0034, तो इंस्टीट्यूट ने एक्सेप्ट किया, हाँ हाँ आप ठीक बोल रहे हैं, 0.00034 ही होगा, ओके तो बस वो करेक्शन कर लेना है अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए, वो करेक्शन कर लेना आपको अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए, 0.0034 डिवाइड बाई 100 इंटू अगर आप 10 लाख करेंगे तो ये आता है 3.4। सिक्स सिग्मा का लेवल होता है अगर आप ठीक से याद रखेंगे तो 3.4 डिफेक्ट्स पर मिलियन, ऐसे याद रखा जा सकता है, ये इतना 0.0034 में हम लोग भी याद रखने में मिस्टेक कर सकते हैं, तो ये बेसिक लेवल बोलते हैं हम लोग, चार बोला करते हैं बातों में बट टेक्निकली है 3.4 डिफेक्ट्स पर मिलियन, तो आप ऐसे भी याद रखो ना, 3.4 डिफेक्ट्स आना चाहिए एक मिलियन में, एक मिलियन है 10 लाख, तो 3.4 बाई 10 लाख को परसेंट में चेंज कर लो, 3.4 डिवाइड बाई 10 लाख इंटू 100 कर दीजिए तो 0.0034 आएगा, ऐसे याद रखा जा सकता है। नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि ओल्ड कोर्स में डिसीजन मेकिंग में हम लोग इनडिफरेंस पॉइंट, शटडाउन पॉइंट ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ा करते थे, न्यू कोर्स में उसका कोई डायरेक्ट जिक्र नहीं किया गया है, तो उसे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, तो इसमें क्लियर आंसर इंस्टीट्यूट ने नहीं दिया है, उसने FAQ का एक रेफरेंस दिया, मैं आपको दिखाऊंगा FAQs क्या है, बट इसमें कंक्लूड ये करना है कि पढ़ना है, क्योंकि उससे रिलेटेड अगर कुछ एप्लीकेशन आ गया तो वो करना है, कुछ पोर्शन इंटरमीडिएट लेवल में भी भेज दिए गए हैं इनडिफरेंट शटडाउन वगैरह, तो फाइनल में जब आप आते हो तो वो इम्प्लाइड है कि आपको आता ही होगा, तो दैट वे ये पढ़ना है, ओके। नेक्स्ट, लीन सिस्टम एंड इनोवेशन को देख लेकर मिस्टर दर्पण जी ने एक क्वेश्चन पूछा है, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जेन्युइन क्वेश्चन है कि GIT के सम्स में GIT परचेजिंग जब हम लोग करते हैं, GIT परचेजिंग आपको याद आता है जिसमें इमीडिएट रिक्वायरमेंट जैसे ही आएगा वैसे ही परचेज करेंगे, स्टॉक एकदम कम रखेंगे, अगर स्टॉक कम रखेंगे तो स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट बचता है, अगर स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट बचता है तो बिजनेस में वर्किंग कैपिटल का इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है, और वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट अगर कम होता है तो आपका बिजनेस का इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो जाता है या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है। सो इसका जो सोल्यूशन आया था मैं आपको एक बार उसमें ले चलता हूँ, दिव्य जड़ी बूटी बुक में ये GIT चैप्टर में है, और GIT चैप्टर में पेज नंबर 264 में है, दिव्य जड़ी बूटी बुक पेज नंबर 264, पेज नंबर 264 या ये क्वेश्चन है दिखे ICAI मैट का 263 से ही है, पैसा समझ लीजिए, जहाँ पे क्वेश्चन ने बोला था कि एवरेज इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल हेल्ड बाय द कंपनी थ्रू आउट द ईयर इज 1 करोड़, ओके। नाउ अगर GIT में जाते हैं तो हम ये स्टॉक को एलिमिनेट कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है, अगर हम GIT में जाते हैं तो ये स्टॉक को एलिमिनेट कर देंगे, अगर ये स्टॉक को एलिमिनेट कर देंगे तो इसके कारण आपका यहाँ पे 15% लॉन्ग टर्म रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी दिया हुआ है,
वो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, तो उसका बेनिफिट हमें यहाँ पे कवर अप करना चाहिए था, ठीक है। वो जो 1 करोड़ रुपया का इन्वेंट्री रिड्यूस हो गया, उसका बेनिफिट यहाँ पे जेएटी में कवर किया जाना चाहिए था, जेएटी के कारण फ़ायदा होगा। तो मान लीजिए टेबल में नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लास्ट में आपका आंसर में एक्स्ट्रा बेनिफिट और एक आ जाएगा, एडिशनल बेनिफिट ऑन इंटरेस्ट कॉस्ट सेव्ड ऑन एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू 1 करोड़ का 15% इज इक्वल टू 15 लाख। सो एज अ कॉन्सिक्वेंस यहाँ पे 15 लाख का बेनिफिट और आ जाएगा, तो नेट बेनिफिट ड्यू टू जेआईटी हो जाएगा 26,27,000। इस तरह से आपको कंक्लूड करना है, ठीक है। टोटल बेनिफिट ऑफ द कंपनी वुड बी 26,27,000। इजी। एडिशनल बेनिफिट ऑन इंटरेस्ट कॉस्ट सेव्ड ऑन एवरेज इन्वेंटरी इज इक्वल टू 1 करोड़ का 15% 15 लाख। इसके बारे में स्टूडेंट ने रेज किया कंसर्न, ये क्वेश्चन हमने रेगुलर क्लास में शायद नहीं की है, ये आपके रेफरेंस के लिए रखा गया, शायद अमेंडमेंट कोर्स में हो सकता है, आपको खोजना होगा। अमेंडमेंट कोर्स में है मेरे नज़र में, जहाँ तक है जीआईटी चैप्टर में आपको मिलेगा, और उधर आप देखिएगा कि ये 1 करोड़ का इम्पैक्ट हमने लिया हुआ है कि नहीं लिया हुआ है। ओके, दिव्य जड़ी बूटी बुक में आपको करेक्शन कर लेना है, बिकॉज दिव्य जड़ी बूटी बुक में हमने माइनर करेक्शन तो किए थे, बट कुछ कुछ जहाँ पे एकदम ही कोई चीज़ सोल्यूशन में मिसिंग था, उसको हमने ICAI के जैसा रख दिया था एक बार के लिए। अब धीरे धीरे जैसे ICAI इम्प्रूव करेगा, वैसे हम भी इम्प्रूव कर जाएंगे दिव्य जड़ी बूटी बुक को लेकर। ओके ओके, सो ये वाला पॉइंट जेआईटी से जुड़ा हुआ था जो हमने आपको बता दिया जेआईटी चैप्टर से। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक को लेकर। कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक को लेकर जिसमें पेज 4.31 ऑफ इंस्टीट्यूट मैट में बोला जा रहा है कि इन द स्टेटमेंट शोइंग एक्सपेक्टेड प्रॉफिट वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट हैव बीन डिडक्टेड ट्वाइस, फर्स्ट इन कैलकुलेटिंग वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड सेकंड सेपरेटली इन द सेड स्टेटमेंट इटसेल्फ। तो ये स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है कि दो बार माइनस किया गया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ ये कहाँ पे है हमारे पास। ओके, आप आ जाइए लाइफ साइकिल कॉस्टिंग चैप्टर में, पेज नंबर 327, पेज नंबर 327 में चले आइए हमारे दिव्य जड़ी बूटी बुक में, या फिर आपके रेगुलर कोर्स में भी लाइफ साइकिल कॉस्टिंग चैप्टर में ये क्वेश्चन पक्का से मिलेगा। ये देखिए इस क्वेश्चन की चर्चा की जा रही है, ठीक है। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट सॉल्यूशन में बोल रहा है क्या आप दो बार डिडक्ट किए हैं, एक बार यहाँ पे इंक्लूड करके और एक बार यहाँ पे इंक्लूड करके। एक बार फिर से समझाते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है बच्चे ने। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट हैव बीन डिडक्टेड ट्वाइस, फर्स्ट इन कैलकुलेटिंग वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड सेकंड सेपरेटली इन द सेड स्टेटमेंट इटसेल्फ। तो क्वेश्चन बोल रहा है सॉल्यूशन प्रोवाइडेड इन द स्टडी मटेरियल इज ओके, वेरिएबल कॉस्ट इज 60% ऑफ सेल प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट का वेरिफिकेशन हम लोग को अगर करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कैसे करना है, ये देखिए यहाँ पे सेल्स है 39,800। आप इसको प्रेजेंट में ऐसे नहीं करके ऐसे सोचें, सेल्स है 3900 लेस वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और एक वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट, दोनों को माइनस करके कंट्रीब्यूशन आएगा, ऐसा सोचो। क्वेश्चन के हिसाब से कंट्रीब्यूशन है, पीवी रेशियो 40% है, तो कंट्रीब्यूशन है 40% ऑफ सेलिंग प्राइस विच इज वर्कड आउट हियर 31,840, ठीक है। और फिर वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस है यहाँ पे 10% ऑफ सेलिंग प्राइस, तो 79,600 सेलिंग प्राइस पर यूनिट का बात हो रहा है, वी आर टॉकिंग अबाउट पर यूनिट। ओके, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है ये देखिए 79,600, जिसमें से 40% आ रहा है कॉन्ट्रीब्यूशन
और 10% चला गया वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट, तो वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट हो गया 7960, बचा हुआ हो गया वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जिसका वर्किंग यहाँ पे क्वेश्चन में किया हुआ है पहला वाला टेबल में 39800। तो ये पर यूनिट आ गया, इसके हिसाब से ये 500 यूनिट का वर्किंग किया गया, ठीक है। तो 79600 इंटू 500 करोगे तो ये आ जाएगा, 39800 इंटू 500 करोगे तो ऊपर 9900 आ जाएगा, 7960 इंटू 500 करो या 39800 का 10% करो तो ये आ जाएगा। सो टेक्निकली ये सोल्यूशन सही किया हुआ है। तो इसमें इंस्टीट्यूट ने बोला कि आप अपना पढ़ाई को फिर से देखें, हमारा सोल्यूशन जो प्रोवाइड किया हुआ है वो एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो इसमें लाइफ साइकिल कॉस्टिंग को लेकर जिक्र किया गया, बट उसको लेकर कोई भी चेंज नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है ये स्ट्रेटजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम बोल के कोई क्वेश्चन था, जो हम लोग एबीसी चैप्टर में कवर किए हैं। हमारे एबीसी चैप्टर में अगर हम आएंगे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग चैप्टर में, तो दिव्य जड़ी बूटी बुक में पेज नंबर 279 में हमें जाना पड़ेगा, पेज नंबर 279, ये रहा जी 279 में आ जाइए, ये रहा। ये एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग के ऊपर और काइजन के ऊपर एक क्वेश्चन था, बजट ऑफ एक्टिविटीज निकालना था और काइजन के ऊपर था, जिसमें कमेंट सेक्शन में इंस्टीट्यूट का एक टाइपो एरर हुआ है जिसको वो ठीक करवा रहे हैं। ये वाला फिगर गलत हो गया कमेंट में। हमने जब अपने क्लास में सम किया था तो कमेंट में हमने इसका एज इट इज़ कॉपी भी नहीं किया था, हम तो अपने तरीके से कमेंट किए थे, बट ये टाइपो एरर हो गया। ये होगा पहला वाला 446400, दूसरा वाला होगा 442928। सिंस ये सोल्यूशन ICAI कॉपी किया हुआ है, तो अकॉर्डिंगली आपको इस दिव्य जड़ी बूटी बुक में करेक्शन करना है। रेगुलर कोर्स में या अमेंडमेंट कोर्स में आपने हमसे क्लास किया हुआ है तो कुछ भी नहीं करना आपको, क्योंकि हमने क्लास में तो कमेंट अलग तरह से लिख लिया था, ठीक है। तो बस आपको ये टाइपो एरर हमारे दिव्य जड़ी बूटी बुक में करेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है फिर ये वाला एक पॉइंट है ट्रांसफ़र प्राइजिंग को लेकर। ये ट्रांसफ़र प्राइजिंग में स्ट्रैटेजी वाला क्वेश्चन है, स्ट्रैटेजी बेस्ड क्वेश्चन, जो हमने अमेंडमेंट सीरीज में भी अभी कवर कराया आपको, और उसके अलावा दिव्य जड़ी बूटी बुक में भी हमारे पास ये क्वेश्चन है। इन ट्रांसफ़र प्राइजिंग चैप्टर कौन सा पेज में है मैं आपको ले चल रहा हूँ। हाँ जी, ट्रांसफ़र प्राइजिंग चैप्टर में पेज नंबर 151। ये एक स्ट्रेटजी बेस्ड क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जिसको अभी हमने अमेंडमेंट सीरीज में भी कराया आपको और हमारे दिव्य जड़ी बूटी बुक में भी है और इंस्टीट्यूट मैट में भी है। इसको लेके किसी ने कुछ कमेंट नहीं किया, बट इंस्टीट्यूट खुद बोल रहा है कि हम लोग अपने बुद्धि से बता रहे हैं कि इसमें ये वाला मिनिमम ट्रांसफ़र प्राइस करेक्ट होगा, ठीक है। ये FAQ अगर हम पढ़ रहे तो बोल रहे हैं मिनिमम ट्रांसफ़र प्राइस कुछ करेक्ट होगा। इसको लेके मैं अभी 100% कन्विंस्ड नहीं हूँ कि ये ऐसा क्यों होगा, तो इसलिए मैं इस पर भी कुछ भी आपको कमेंट नहीं कर रहा। मैं एक बार सजेस्ट करूँगा कि जब तक कि मैं अलग से चला के आपको कुछ खबर ना करूं, आप मानिए ये वाला जो किया हुआ है अभी वही सही है, ठीक है। डोंट करेक्ट इट बिकॉज जस्ट इंस्टीट्यूट हैज सेड नाउ कि वो करेक्ट होगा, क्योंकि उसमें एक टेक्निकल ग्लिच है, जो कमेंट वो लोग कर रहे हैं आंसर में उसमें एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर आपका ट्रांसफ़र प्राइसिंग का एक क्वेश्चन पहले आपको क्लियर होना चाहिए, अभी उतना समय इस वीडियो में नहीं दे रहे। फॉर द टाइम बिंग सजेशन यही है कि जो किया हुआ है वो एक बार रहने दीजिए, उसको चेंज मत करिए। अगर कुछ करना होगा बाद में चेंज वगैरह तो मैं आपको खुद आके बताऊंगा, ठीक है। तो यही था आपका पूरा FAQs और एडेंडम्स जो स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूट से पूछे थे, और उसका थोड़ा बहुत असर हमारे कौन कौन से चैप्टर पे क्या क्या पड़ा। जैसे ये वाला टारगेट कॉस्टिंग में था, ये वाला जनरल क्वेश्चन था, ये वाला भी जनरल क्वेश्चन था, ये ABC में था, ये TQM में था, ये DPP स्ट्रेटजिक एनालिसिस में था, ये आपका जनरल क्वेश्चन था थ्योरी, ये भी जनरल क्वेश्चन था, JET में था, लाइफ साइकिल में था, ABC में था, ट्रांसफर प्राइसिंग में था। तो दिव्य जड़ी बूटी बुक में कहाँ कहाँ क्या क्या करेक्शन हुआ वो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया।
रेगुलर कोर्स में भी अगर आप हमसे क्लास किए हैं और ये सेम क्वेश्चंस हैं तो कई सारे ऑलरेडी करेक्टेड हैं, फिर भी आप एक बार खोज के रेफ़र ज़रूर कर लीजिएगा। एक और चीज़ है, इंस्टीट्यूट ने हाल फिलहाल में एक FAQ भी रिलीज़ किया है जो स्टूडेंट्स को बता रहा है की डिफरेंस क्या है भाई ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग में। तो कहने का बात ये कि ओल्ड सिलेबस में सारा कॉन्सेप्ट्स पढ़ाते थे, सिर्फ कैलकुलेशन पे फोकस करते थे, न्यू सिलेबस में एप्लीकेशन पे फोकस करते हैं। अब एप्लीकेशन पे जब फोकस करते हैं तो एक यूनिक चीज़ होती है कि एप्लीकेशन हर एग्ज़ाम में नया होता है, हर क्वेश्चन में नया होता है। इसमें स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि उनको लगता है कि सिर्फ एप्लीकेशन बेसिस हमेशा मैं कराओ। एप्लीकेशन तब आप कर सकते हो फ्रेंड्स जब आपका कॉन्सेप्ट पूरा मजबूत हो। ओल्ड सिलेबस खाली कॉन्सेप्ट फ्रेमिंग पे काम करता था और उसके कैलकुलेशन पे। तो ओल्ड सिलेबस से हमने अपने क्लासेस में आपको बहुत सारा सम्स लेके कराया जिससे आपका कॉन्सेप्ट बने, आप एनालिटिकल स्किल्स डेवलप तो करें पहले नंबर्स के साथ। जब नंबर्स पढ़ना आएगा तब ना आप एप्लीकेशन कर पाओगे। अगर मैं आपको बैलेंस शीट बनाना ही नहीं सिखाऊँ, बैलेंस शीट बनाने के पहले आपको जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, PL, पूरा डे बुक वगैरह का स्ट्रक्चर और बैलेंस शीट खुद आपको दस्त बनवा के ना दिखाऊं खुद से और सीधा बोलूं ये रहा सामने बैलेंस शीट, अब इसका एनालिसिस करो, इसका एप्लीकेशंस बताओ, इससे इस कंपनी को लोन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए ऐसा कुछ एनालिसिस करो, इस कंपनी के शेयर्स खरीदने चाहिए कि बेचने चाहिए एनालिसिस करो, इट्स नॉट पॉसिबल अंटिल अनलेस यू नो हाउ बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड। करेक्ट, उसी तरह से कॉस्टिंग में भी एप्लीकेशन जानने के लिए पहला ज़रूरत है कि आप ओल्ड सिलेबस का जितना भी कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, कैलकुलेशन चीज़ है, वो अच्छे से रगड़ के सीखें, कॉन्सेप्ट माइंड में बैठेगा, नंबर्स प्ले करेगा, तब तो जाके खुद से एप्लीकेशन करोगे। एप्लीकेशन हम लोग क्लास में डेमोन्स्ट्रेटिव वे में कराते हैं बट एग्ज़ाम में जो आएगा वो हमारे हाथ में नहीं है। आपको एप्लीकेशन एग्ज़ाम हॉल में भी जाके नया से करना है। एप्लीकेशन का मतलब ये है कि एग्ज़ाम हॉल में जाके आप अलग से नया बुद्धि लगा के एप्लीकेशन करेंगे। इंस्टीट्यूट हर बार यही तैयार कर रहा है, इवन अभी तो इंटर में भी कुछ सब्जेक्ट्स में प्लान कर रहा है कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे ना कि जस्ट कैलकुलेशन बेस्ड। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन का मतलब ये हो जाता है कि हर बार हर स्टूडेंट हर एग्ज़ाम में एक नया क्वेश्चन फेस करेगा और उस समय वो उस 3 घंटे में क्या कैपेबिलिटी रखता है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वही इंस्टीट्यूट टेस्ट करना चाह रहा है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे यूजुअली होता है। तो अगर आप ये सोचने वाले हो कि सर आपने जो कराया मेरा तो वही सेम मैच करना चाहिए, कुछ तो मैच करना ही चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। प्लीज़ हाथ सरेंडर है हमारे, अगर कोई बोल रहा है तो वो भगवान है कि हाँ भाई यही पढ़ के जाओ यही आएगा। हम आपको बता रहे कि हमने आपको ओल्ड सिलेबस से सारे कॉन्सेप्ट्स करा दिए, आपको बहुत सारा सम प्रैक्टिस कराया कि आपका एनालिसिस का दिमाग चले, और फिर इंस्टीट्यूट ने आज तक जितने भी ICAMAT में या फिर MTP RTP क्वेश्चन पेपर में जितने क्वेश्चन आज तक रिलीज़ किए वो सारे भी एप्लीकेशन आपको डेमोन्स्ट्रेटिव वे में करा दिए। अब एग्ज़ाम में उसमें से ही आएगा, ये थ्योरी आपके मन में क्यों आता है जी? आपको यही सोचना है कि एग्ज़ाम में जो आएगा वो कुछ नया आएगा, ना कि जो आपने किया हुआ है वही आएगा। आप बोलेंगे सर दूर दूर तक आपने जो पढ़ाया उसका कुछ भी नहीं आया, कैसे आएगा एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट में कैसे आएगा? अगर आ गया तो मेरा भी लक है, आपका भी लक है। आपको एग्ज़ाम हॉल में जाके बुद्धि चलाना है, आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है, आपको आंसर जो क्लास में कराए जा रहे हैं उसके पैटर्न पे ध्यान देना है जिससे कि कुछ नया सिनेरियो वैसे वहाँ पे आ जाए तो आपको अपने आप करना आ जाए। एक सिंपल सी बात है, जैसे आप सोचिए आप इलेक्ट्रिशियन आपको बनाया जा रहा है, उस इलेक्ट्रिशियन को बनाने के लिए हम तो आपको टूल्स चलाना सिखा देंगे, आपको कॉन्सेप्ट बता देंगे नेगेटिव वायर पॉजिटिव वायर क्या होता है, हॉट वायर कोल्ड वायर क्या होता है, करंट कैसे फ्लो करता है, करंट में कब क्या क्या प्रिकॉशन रखना पड़ता है। अब आप बोलेंगे जो आपने सिखाया वही हर क्लाइंट में एग्जैक्टली लागू हो, उसी तरह से हम हर क्लाइंट के यहाँ जाके काम कर लेंगे, ऐसे नहीं हो सकता। हर क्लाइंट का घर यूनिक होता है, ऑफिस यूनिक होता है, उसकी रिक्वायरमेंट्स यूनिक होती है, आपको अपना दिमाग वहाँ पे स्पॉट पे जगह जाके लगाना पड़ेगा। आप टूल्स चलाना जानते हैं, दैट इज़ प्रैक्टिस इन क्लास। नाउ एग्ज़ाम में एप्लीकेशन वो 3 घंटे में जाके ही होगा। अपने उस माइंड से उस थ्योरी को निकाल दीजिए कि जो करके गया वही आना चाहिए, जो सर पढ़ाएंगे वही आएगा, ऐसा थ्योरी नहीं है। आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए, आप पैटर्न पे फोकस करिए और एग्ज़ाम में कुछ नया आएगा उसका इंतज़ार करिए। यही point 1 में FAQ में इंस्टीट्यूट ने भी क्लियर किया है। बहुत सारे नए नए चीज़ें हैं जो पहले ओल्ड सिलेबस में नहीं थी, उसका लिस्ट बना के यहाँ पे दे दिया है।
तो आप इस लिस्ट को रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा जो कॉमन टॉपिक्स ओल्ड और न्यू में हैं, उसके लिए आपको ऊपर में बताया था कि ओल्ड सिलेबस का भी जो आप रेफर करना चाहते हो कर सकते हो। सेकेंड, व्हाट इज़ द परसेंटेज चेंज इन द सिलेबस। ओके, तो परसेंटेज चेंज इन द सिलेबस इंस्टीट्यूट अब डिक्लेयर कर रहा है कि 65% चेंज है। ओके, तो 65% चेंज कैसे है, बिकॉज ये सारे नए कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स आ चुके हैं और उसके अलावा आपको राइटिंग पैटर्न पे भी थोड़ा सा नयापन देखने को मिलेगा। सो दैट वे 65% इज न्यू। सो इट डजेंट मीन कि ओल्ड सिलेबस एकदम रिडंडेंट है, ओल्ड सिलेबस से जो पढ़ोगे वो तो कॉन्सेप्ट के लिए तैयार करना ही है, उससे एनालिसिस आएगा, उसके कॉमन टॉपिक्स जो जो हैं उससे कॉन्सेप्ट सीखोगे और उसके बाद आपको नए सिलेबस के लिए तैयार होना है। देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो रही है फेथ की। आप सोचेंगे कि जो पढ़ा वही आना चाहिए, वो मुश्किल है। आप अगर ये सोचेंगे कि जो पढ़ा उससे मैं सीख जाऊँ, ऐसा कि जो आए मैं कराऊँ, ये फेथ आपको अपने टीचर्स पे लाने पड़ेंगे, तभी आपका प्रिपरेशन सक्सेसफुल है। अगर जो पढ़ा वही आ जाए तो हम भी यही चाहते हैं, हमारे मैट से जो हमने पढ़ा है एज इट इज़ इंस्टीट्यूट पूछ ले, तो इससे तो हम भी पूरे देश में फेमस हो जाएंगे ना। कोई भी टीचर ऐसे पढ़ा पाए जिसके मैट से सब कुछ इंस्टीट्यूट मैट के क्वेश्चन पेपर में आ जाए, तो पूरा देश में फेमस। उसके बाद उस टीचर को चाहिए क्या? रखने का जगह नहीं, स्टूडेंट बैठाने का जगह नहीं, उससे बेस्ट उनको क्या चाहिए? बट ऐसा होता है क्या दोस्तों? आप फाइनल के स्टूडेंट्स हैं, आप मच्योर्ड हैं कि सब जो पढ़ाया हुआ है वही आए, जो पढ़ाया हुआ उससे मिलता हुआ ही आए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप अगर कंसेप्ट्स पे ध्यान दोगे, आप राइटिंग पैटर्न्स पे ध्यान दोगे, तो मैं इसकी गारंटी देता हूँ कि अगर आपका प्रिपरेशन मेथडोलॉजी सही था तो जो भी आएगा वो आप कर पाओगे। बट ऐसा मत सोचो जो किया वही आएगा, ठीक है। इस सब्जेक्ट में बोल रहे कॉस्ट अकाउंटिंग के साथ साथ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट भी हमने घुसा दिया है। कॉस्ट अकाउंटिंग जो इंटर में पढ़ा था और स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट भी जो इंटर में पढ़ा था, दोनों मिला के SCMBE बना है विथ अदर न्यू टॉपिक्स। और फिर मार्क्स वेटेज ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल बोल रहे, तो एज सच उन्होंने कुछ इसमें क्लियर जवाब नहीं दिया कि थ्योरी प्रैक्टिकल का कोई ब्रैकेट नहीं है। आपको एक स्किल वाइज वेटेज का पैटर्न, पहले भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है इसके ऊपर, जब शुरुआत में इंस्टीट्यूट ने इसके बारे में बताया था, वो पैटर्न को फॉलो करना है। आपके एग्ज़ाम में रिक्वायर्ड में कुछ कीवर्ड्स होते हैं जैसे लिस्ट, स्टेट, डिफाइन, डिस्क्राइब, डिस्टिंग्विश, एक्सप्लेन। ये CIMA के एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड है जो इंस्टीट्यूट ने रेप्लिकेट किया है। वहाँ पे भी ऐसा ही सेम डिस्क्रिप्शन रहता था एग्ज़ाम गाइडलाइंस में, वही गाइडलाइंस एज इट इज़ यहाँ पे उठाया गया। तो वो सब कीवर्ड्स अगर रहते हैं तो आपको क्या क्या करना है वो यहाँ पे बताया गया। जस्ट यू हैव टू फॉलो दैट, दैट्स ऑल। थ्योरी होगा कि प्रैक्टिकल होगा, उसका प्रॉपर सेग्रीगेशन नहीं है। बट फिर भी अभी तक जितना एग्ज़ाम हुआ उसके एक्सपीरियंस हम बता सकते हैं आपको, थ्योरी और प्रैक्टिकल का वेटेज में 30-40% थ्योरी ओरिएंटेड क्वेश्चन आ सकता है। अगेन, कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, सब एप्लीकेशन ओरिएंटेड है। वो आप जब पास पेपर्स को सॉल्व करोगे अपने एग्ज़ाम के पहले तो आपको क्लियर होगा। जब भी एग्ज़ाम देने जाएं, मिनिमम 3 टर्म का क्वेश्चन पेपर सॉल्व ज़रूर करेंगे। जो बच्चे नवंबर 19 में एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए 3 पेपर ऑलरेडी अवेलेबल है, उसको पूरा सॉल्व करना है, जितना होता उतना करना है, जो नहीं होता उसका सोल्यूशन पढ़ना है, सो दैट आप ज़्यादा प्रिपेयर्ड होकर एग्ज़ाम में जा पाएँ। अब आप बोलेंगे सर आपका मैट कर लिया और कितना करें, बस उससे ज़्यादा मेरे से नहीं होता, बस उसी से सब कुछ आ जाना चाहिए। भैया नहीं होगा, मेरे मैट में मैंने कोई इंस्टीट्यूट का भविष्य नहीं पढ़ रखा है कि मैं वही क्वेश्चन रख रखा हूँ जो इंस्टीट्यूट पूछने वाला है। इंस्टीट्यूट क्वेश्चन से पेपर सेट करते समय मेरा क्या, हिंदुस्तान के किसी भी ट्यूशन टीचर का मैट तो नहीं लेता हाथ में, करेक्ट। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि कंसेप्ट इम्बाइब करें आपके अंदर, सारे इंटरनेशनल रेफरेंसेस को लेकर, बुक्स के रेफरेंस को लेकर, बट हम ऐसा नहीं कमिट कर पाते कभी आपको कि हमारे मैट से सब कुछ आने वाला है, टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट एंड फ्रैंक। ओके, सो चैप्टर वाइज वेटेज कुछ है क्या, ये भी एक क्वेश्चन है। तो चैप्टर वाइज नहीं है, सेक्शनल वेटेज है कुछ कुछ का, बट ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि ये वेटेज फॉलो होगा। ये जस्ट एक रफ आइडिया है कि इससे कुछ आने वाला है। बेसिकली आप ऐसा ही मान के चलिए किसी न किसी चैप्टर से कुछ भी आ सकता है, ऐसा कुछ उसमें गुमराह नहीं होएगा। फिर केस स्टडी को लेकर एक FAQ है, जो केस स्टडी चैप्टर पढ़ते हैं अपने उसमें भी एक कवर किया हुआ है। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कैन आई इग्नोर केस स्टडीज, तो बोले हैं कि भैया एक क्वेश्चन तो हम पूछेंगे कम से कम केस स्टडी का, और वो सिर्फ नवंबर
18 एग्जाम में आया था पहला बार केस स्टडी, मई 18 में एक भी केस स्टडी नहीं आया था, नवंबर 18 में आया था जो सिर्फ 10 मार्क का था, और ये मई 19 में जो एग्ज़ाम हुआ अभी उसमें एक 20 मार्क का केस स्टडी आया। सो केस स्टडी एक क्वेश्चन आप जरूर उम्मीद कर सकते हैं, और बाकी मतलब पूरा केस स्टडी ओरिएंटेड, बाकी तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी थोड़ा बहुत केस स्टडी से ही जुड़ा हुआ है। तो आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बोल रहा है कि आप जो भी सर से पढ़ रहे हैं पहले रेगुलर कोर्स पूरा कर लें, पहले रेगुलर कोर्स पूरा कर लें, उससे दिमाग खुल जाए, कैलकुलेशन आ जाए, और उसमें अगर ऑलरेडी कॉन्फिडेंस है तो ज़रूर से ज़रूर इंस्टीट्यूट का जितना मैट है, उसना जितने आरटीपी का क्वेश्चन है, जितना पास क्वेश्चन पेपर है, उसको सॉल्व करें। वो नहीं करेंगे तो फिर एग्ज़ाम में डर लगेगा, मैं गारंटी के साथ बोल देता हूँ। ये कॉस्ट पेपर का क्या, मैं तो बोल रहा हूँ हर पेपर का ये सिस्टम है, बट कॉस्ट पेपर में अगर स्ट्रेंथ चाहिए तो करना क्या है, रेगुलर कोर्स का फटाफट कंसेप्ट ले लो, उसका सारा प्रैक्टिस ख़त्म करो, उसमें बहुत ज़्यादा इम्फेसिस मत दो। उसके अलावा फिर आ जाओ जैसे दिव्य जड़ी बूटी बुक वन स्टॉप कंपाइलेशन, उसमें सब कुछ आपका मैं कंपाइल एक जगह किया हुआ, उसको फटाफट सॉल्व करो, नहीं तो मत लो ये बुक। इंस्टीट्यूट का पास 3 टर्म का पेपर, आरटीपी 3 टर्म का, आपका इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट पेपर और आईसीएमैट, उसको लेके बैठो, उसको अपना प्रिपरेशन का बेस बनाओ और उसी से सारा प्रैक्टिस करके जाओ, आपको एग्ज़ाम में कोई डर नहीं लगेगा। अगर आप एग्ज़ाम में सिर्फ वो ट्यूशन टीचर का मैट को लेके चलोगे तो दिक्कत होगा, ठीक है। सिर्फ मैट में नहीं, सिर्फ रेगुलर कंटेंट पे नहीं, अभी एक्स्ट्रा कंटेंट का ज़रूरत है, वो एक्स्ट्रा कंटेंट एसजेसी ने भी अमेंडमेंट क्लास के थ्रू दी है। डू आई नीड टू कवर ऑल टाइप ऑफ वेरियंसेज, येस ऑफकोर्स ऑल टाइप्स ऑफ वेरियंसेज आर टू बी कवर्ड, जो इंटर में पढ़ा था वो तो है ही। फोकस ज़्यादा कैलकुलेशन पे नहीं है, इंटरप्रिटेशन पे। तो वेरिएंस पे हमने भी हाल फिलहाल में यूट्यूब में भी कुछ 2 वीडियो डाले हैं, क्रॉस इम्प्लीकेशन ऑफ वेरिएंसेस, उसको भी आप रेफर करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगा कि वेरिएंस में क्या नया उम्मीद किया जा रहा है। लास्ट अभी इस टर्म का भी अगर मई 19 का पेपर उठा के देखेंगे और आरटीपी भी देखेंगे मई 19 का, तो आपको एक क्वेश्चन मिलेगा सब प्लानिंग ऑपरेटिंग और ट्रेडिशनल वेरिएंसेस पर, जो टूवर्ड्स एंड ऑफ द चैप्टर हम लोग करते हैं रेगुलर कोर्स में, सब हम लोग एंड ऑफ द चैप्टर में करते हैं, तो जो एंड ऑफ चैप्टर है वही एप्लीकेशन ओरिएंटेड होता है, करेक्ट। फिर कैन आई रेफर ओल्ड सिलेबस रिसोर्सेज, वापस वही बात आ गई, ओल्ड सिलेबस रिसोर्सेज में 100% आप ओल्ड सिलेबस में डिपेंड मत होइए, कॉमन टॉपिक्स को ज़रूर पढ़ सकते हैं, और उसके बाद आपको राइटिंग पैटर्न पर ज़्यादा ध्यान देना है विथ कीवर्ड्स यूज ऑफ दिस एंड दिस इन योर रिक्वायर्ड। Then which study material you should refer? Always refer latest study material which is Jan 19 edition. What is the best approach of the exam? Cover the whole syllabus and be prepared to apply all this knowledge. Apply मतलब आप ऐसा मत सोचिएगा कि सब कुछ same to same फंसने वाला है, बस इसी का ही मतलब apply, ठीक है। मैं आपको दोस्त बता दूँ, CIMA का एग्ज़ाम में ना एक केस स्टडी एग्ज़ाम होता है पूरा 100 मार्क का, जिसमें वो इंस्टीट्यूट बोलता है कि हम पूरा सीमा में जितना पढ़ा है आपको, फाउंडेशन इंटर फाइनल जैसा लेवल जितना भी, सब मिला के सब में से कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट में से। जैसे हमारे यहाँ पे एक इलेक्टिव सब्जेक्ट है ना मल्टीडिसिप्लिनरी केस स्टडीज, वैसा एनी सब्जेक्ट एनी क्वेश्चन, टैक्स भी हो सकता है, अकाउंट्स भी हो सकता है, कॉस्ट भी हो सकता है, FM भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उसमें, एथिक्स भी हो सकता है, कुछ भी। तो वहाँ पे एप्लीकेशन कैसे करेंगे, उसमें सिलेबस दिया हुआ है, अब सारा कितना बुक्स पढ़ेंगे, तो बुक्स पढ़ पढ़ के जो क्वेश्चंस थे उससे आप अपना कॉन्सेप्ट साउंड करिए। एग्जाम में कुछ नया ही आएगा, हर बार कुछ नया आएगा, वहाँ पे वही पैटर्न इंस्टीट्यूट अप्लाई कर रहा है, हर बार कुछ नया का उम्मीद करें, नए क्वेश्चन से ना डरें। आप अपना जो भी पढ़ाई क्लास में किया उसको बेस रखकर आप पहले नया क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, फिर देखिए उसमें कहाँ कमी रह जा रहा है, फिर उसको लर्न करिए, फिर नया फिर सेट ऑफ क्वेश्चन को अपडेट करें, एंड दैट्स हाउ ओनली यू कैन डू। हाउ कैन आई रिवाइज SCM क्विकली, इसके लिए इंस्टीट्यूट के थ्रू एक क्विक रिवीजन कैप्सूल भी आया हुआ है, आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ये SGC के वेबसाइट पे भी शेयर किया हुआ है, और इसके अलावा कुछ चार्ट्स वगैरह भी हैं जो हमारे स्टूडेंट्स लोग हमारे SGC वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, थोड़ा और भी सिंप्लीफाइड चार्ट्स है उसको रेफर कर सकते हैं, और बेस्ट है अगर अपना हाथ से कुछ चार्ट वार्ट बनाया हो तो सबसे बेस्ट है। और मैं आपको एक थ्योरी बता दूँ टू कंक्लूड, करना क्या, कोई भी टीचर से पढ़ाओ, रेगुलर मटेरियल उन्होंने जो पढ़ाया यानी क्लास में कॉन्सेप्ट लिखाया, एग्जाम्पल कराया,
फिर उसके सम्स कराए, वो रेगुलर मटेरियल हो गए, वो सबको फटाफट फटाफट कवर अप करो, उसमें ज़्यादा सॉल्व करने पे टाइम मत दो, उसको गो थ्रू करके निकालो, और उसके बाद बैठो इंस्टीट्यूट मैट के सारे रिसोर्सेज के साथ, ऑल रिसोर्सेज ले लेने, पास पेपर, ICAI मैट, RTP, MTP, कुछ नहीं, न्यू सिलेबस में तो तीन ही टर्म हुआ है, उसके जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे एक एक करके उठा लो। अब आप उसमें चैप्टर वाइज सेग्रीगेटेड चाहते हो, चैप्टर वाइज करना चाहते हो, जैसे एक अप्रोच ये भी हो सकता है कि आपने रेगुलर मटेरियल का मेरा एक चैप्टर पढ़ लिया, अब उस एक चैप्टर का जितना इंस्टीट्यूट का रिसोर्स है उसको कवर करना चाहते हो, तो आपको दिव्य जड़ी बूटी बुक की ज़रूरत है। आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करिए और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का फिर जितना उस चैप्टर का रिसोर्सेज है उसको कवर करना चाहते हो, चैप्टर बाय चैप्टर चलाना चाहते हो, तो उस बुक को रेफर कर सकते हैं, या फिर इंस्टीट्यूट मैट डाउनलोड कर लीजिए ना यार, क्या दरकार है नया खर्चा करने का, वहाँ से जितना क्वेश्चंस है उसको कर लीजिए, फिर लास्ट में एक बार बैठ के सारा पास पेपर्स RTP देख लीजिएगा जिसमें सब जंबल होके आता है, कैसे भी कर सकते हैं, आप होशियार हैं, यू आर मैच्योर्ड इनफ, आई विश यू ऑल द लक, ओके, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कीप अस पोस्टेड, एंड दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।